उच्चतम न्यायालय ने इस तरह का फैसला किया, सरकार सही तरीके से नहीं रखी। अपना पक्ष अगर वो इतने हमदर्द थे तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनने की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, वो कहाँ थे? वो इस बीच में कहाँ चले आ रहे हैं? और आज भी उनकी ईमानदारी तो तब देखी जाएगी ना जब आज सरकार तो आज भी मुस्तैद है और केस आज भी चलेगा, सरकार बिहार सरकार का ही केस चल रहा है। इन लोगों को तो जैसे ट्रेन छूट जाती है ना, तो इन लोगों को लग रहा है कि ये सब काम हो गया, मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को वाहवाही मिल रही है, हम लोग कहीं हैं नहीं। तो जो ट्रेन खुल चुकी है उसके पीछे पीछे ये रेलवे खाली रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, जो थोड़ा क्रेडिट हमको भी मिल जाए, इतना ही है और कुछ नहीं। सर, रामप्रसाद यादव पूर्व मंत्री ने कहा 13 दिनों में 7 रेल हादसे, कितने ताबूत बन जा रहे हैं, लोगों को प्रार्थना करनी पड़ रही है। रेल हादसे हो रहे हैं ये तो दुखद बात है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री ने ही इसका संज्ञान लिया है, निश्चित रूप से इसके लिए जो उपाय है किया जाए। सर, एक सवाल है, आयु को लेकर दबाव ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है मतभेद के रूप में दिखेगा, कांग्रेस विधायिका ने किया है। देखिए, हम लोग दो ही चीजों के बयान या निर्णय या घोषणा का संज्ञान लेते हैं, या तो कोई राजनीतिक दल हो या कोई सरकार हो। अब इंडिविजुअल एक आदमी कोई कुछ बोल रहे हैं, कल हो के वही पार्टी कहेगी जी ये उनका व्यक्तिगत मत था। और हम आप लोगों से भी यही आग्रह करते हैं, किसी एक आदमी के किसी विवादित बयान को इतना तूल आप लोग भी नहीं दीजिए। और कोई विभाजनकारी बात है, लोगों में मतभेद पैदा करने वाली बात है, या कोई गलत चीज़ को तरजीह देने वाली बात है, वैसे गंदे बयानों को कृपा करके मीडिया भी तरजीह नहीं दे। देखिए, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बड़े सख्त कानून आ रहे हैं, लगता है बिहार में भी ऐसे कानून आने चाहिए। अब बिहार की बात पूछिए ना, यूपी की बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सर, झारखंड के कांग्रेस विधायिका हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग जो है वो यहाँ पर कुछ बैठे हैं, बिहार के लोग ठीक है सर, कि देश तो एक है ना, देश में कहीं भी कोई भी जा सकते हैं, अन्य जगह के लोग भी बिहार में आ सकते हैं, यहाँ के लोग भी बिहार देश के किसी हिस्से में जा सकते हैं, इसलिए देश एक, देश पर सबका अधिकार, इस तरह का बयान का हम लोग विरोध करते हैं। कुछ कैडिया शब्द का उपयोग कर दिया जा रहा है, हमारे बगल के राज्य झारखंड है, वहाँ पर विधायिका बार बार बाबू को कह रहे हैं कुछ कैद करके सदन तक पहुँच जा रहे हैं बिहारी। अब देखिए, उन लोगों का तो सिर्फ इसी तरह का बयान आता है, कांग्रेस हो या जो इंडी अलायंस के लोग हैं, उन लोगों का इसी तरह का बयान आते रहता है। बिहार में फिर कांग्रेस को से लोग हिसाब पूछेगी समय आने पर। मैडम, कुछ भावना नहीं